जय हिंद सभी साथियों को स्वागत है जीत अकेडमी में। आज से मेरा नाम है मंजीत प्रजापति। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, आज हम एमपी पुलिस का जो टॉपिक है औसत पढ़ रहे थे। दोस्तों थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, उसकी वजह से क्लास ऑफ हो गई थी, तो मैं हैंड टू हैंड ऑफलाइन बना के से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देना, औसत में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। मतलब जैसे मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, कब ये असमानांतर होना, और एक होता है पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में दो। पहले इसके बारे में मैं थोड़ा बेसिक क्वेश्चन बता देता हूँ, थोड़ा इस चीज को समझ। जैसे अगर आपसे पूछ ले 2 + 4 + 5 ऐसे पूछ लेता है, जैसे 2, 4, 6 और 8 का औसत बताओ, तो अपन क्या करेंगे, इन सभी को जोड़कर और योग बटे संख्या। तो इन सभी को जोड़ना है, 4 और 2 6 और 6 12 और 8 कितने होते हैं दोस्त, 12 और 8 होते हैं 20। ठीक है, इन सभी को जोड़कर संख्या कितनी है दोस्त, 4 है, तो 4 से क्या देना, भाग देना है, तो हो जाएगा 20 बटे 4। तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। कब, जब असमानांतर हो। देखो 2 4 6 8, हालांकि इसमें समानांतर है। जैसे आपके सामने ऐसा रख देता हूँ 3 5 7 3 9 4 और 8, इससे आपसे औसत निकालने का बोला, तो आपको क्या करना है, सभी को जोड़कर जितनी संख्या उनसे भाग दे देना। कितनी संख्या, 4 संख्या है तो भाग दे देना। 9 और 3 कितने होते हैं दोस्त, 12। 12 और 4, 12 और 4 16 और 8, 16 और 8 कितने होते हैं, 24। 24 को जब हम 4 से भाग देंगे, 4 × 6 = 24, 6 × 4 = 24, 4 × 4 = 8, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 6 आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा, औसत। ये कब निकल के आगे ध्यान देना, जब असमानांतर हो। देखो असमान संख्या है, जैसे 3 है 9 है 4 है 7। अब पहले इससे यहां पर समझना, जैसे इसके बारे में अपन क्या पता होना चाहिए, संख्या पता होना चाहिए। ध्यान देना, प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है वो प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, वो पूर्ण संख्या कहलाती है। यहां पर ध्यान देना, सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। विषम संख्या 1 3 5। अब ध्यान है ना, पूरी मैथ्स में आधी सम होती है और आधी विषम संख्या होती है, ठीक है। और गुणज क्या होता है, गुणज का मतलब होता है दोस्त पहाड़ा, 7 × 7 7 × 2 = 7 7 × 3 = 21, ऐसे ही लगातार। और एक होता है समानांतर श्रेणी। ध्यान देना, मैंने ये औसत दो टाइप से निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, कभी कभी यहाँ पर ध्यान देना, 1 से 2 हो रहा है, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 लगातार, तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। सभी में एक एक प्लस हो रहा है, 0 1 2 3 लगातार, कितने का, 1 का प्लस। 2 4 6 8 कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। 1 3 5 यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्त, 2 प्लस हो रहा है। 1 से 3 3 से 5 दो दो प्लस हो रहा है, मतलब समान अंतर चल रहा है। जब भी समान अंतर चले तो पहली प्लस अंतिम भाग दो, और जब भी ऐसी कोई भी संख्या आ जाए और असमान अंतर चले, कुछ भी संख्या आ जाए, जैसे 400 400, यहाँ पर 50 और 150, कुछ ही का भी संख्या को अगर औसत निकालने का बोले, तो इन सबको जोड़कर जितनी संख्या है उससे भाग देना, और असमान अंतर आ जाए तो पहली और अंतिम। ध्यान देना, जैसे जैसे आपसे प्राकृतिक का पूछे तो पहली, ऐसे आपसे पूछ लिया 50 तक की संख्या को औसत बताओ, तो 1 और 50 इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। बताओ बात समझ में आ रही, क्लियर हुआ। गुणज मतलब होता है पहाड़ा, समानांतर श्रेणी होती है। देखो 4 से 9 पर पहुंच रहा है कितने प्लस हो रहा है, 5। 9 से 14 पर पहुंच रहा है कितने प्लस, 5। 14 से 19 पर कितने प्लस, 5। सभी में समान अंतर चल रहा है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देना सभी साथी, ठीक है, समझ सकते हैं ना। चलो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। बताओ प्राकृत संख्याएं दी हुई है, कौन सी संख्या, प्राकृत, और प्राकृत संख्या है तो अंतर बताओ समान चल रहा होगा या असमान। समान चल रहा है, अंतर समान चल रहा है, तो आपको क्या करना है, प्राकृत संख्या में लिख देता हूँ थोड़ा, 1 2 3, ऐसे ही अनंत तक। अनंत तक नहीं जाना, हमें कहाँ तक जाना है, 100 तक, तो बता सकते हो 100 तक जाना है। मैंने आपको क्या बताया, जब अंतर समान हो तो पहली प्लस अंतिम बटे में दो। तो पहली संख्या क्या है भाई, पहली संख्या क्या है, पहली को जोड़कर और अंतिम जोड़कर, बता सकते हो पहली संख्या क्या है, 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है, 100। तो इनको जोड़ के किससे भाग देना है, 2 से। ये 2 से ही भाग क्यों दिया दोस्त, क्योंकि 2 संख्या रख रहा है, ठीक है। तो काट सकते हैं अपन इसको, जोड़ दो, ठीक है।
इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 101, और 101 का आधा होता है दोस्त 101 से अगर 2 से भाग भाग देंगे तो आ जाएगा 50.5। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? अंतर समान है। देखो इस टाइप के ऐसी टाइप का एक क्वेश्चन ध्यान देना, 50 पूर्ण विषम संख्या है, सॉरी 50 पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या मैंने बता रखी है कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। अब यहाँ पर ध्यान देना भाई, पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। अब मुझे एक बात बताओ, 0 से 1, 2, 3 और ऐसी कहाँ पे जाना है, 50 पूर्ण संख्या चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम 50 संख्याएं चाहिए तो हमें गिनती 49 तक करना पड़ेगी, ठीक है? समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि यहाँ पे हम 0 को शामिल कर रहे हैं। अगर 50 तक गिनती करेंगे ना, अगर यहाँ पे मैं 50 रख दूँ को 0 को शामिल करेंगे तो वो 51 संख्याएं हो जाएंगी। तो अगला, जब अंतर समान चल रहा हो तो क्या करते हैं, पहली प्लस अंतिम भाग दो। तो पहली को जोड़ो और 49 को जोड़ के बट्टे में 2 से भाग दे दो, तो आंसर हो जाएगा 50/2। और 50/2 मतलब होता है 25। ये हो जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही साथियों? बढ़ सकते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान दो। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत ध्यान ना, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत तो बता सकते हैं, प्रथम 20 सम संख्या। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने जस्ट थोड़ी देर पर बताया था पूरी मैथ्स में आधी सम होती है आधी विषम होती है, तो 20 सम संख्या का औसत चाहिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, तो 20 सम संख्याएं चाहिए तो बताओ गिनती हमें कहां तक करनी पड़ेगी। नहीं आ रहा समझ? जैसे मैं लिख रहा हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 10। अब आप मुझे बताओ, मैंने कहा 10 तक गिनती करने में आपको सम संख्या कितनी मिलेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। आपने गिनती 10 तक की है तब जाके आपको संख्या 5 मिली है, तो हमें 20 सम संख्या चाहिए तो गिनती उसके डबल तक करनी पड़ेगी। कौन सी सम? तो सम संख्या लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सम संख्या 2, 4 ऐसे ही कहाँ तक करेंगे गिनती, गिनती करेंगे उस 40 तक, क्योंकि 40 तक गिनती करेंगे ना तब जाके हमें 20 सम संख्याएं मिलेंगी, ठीक है? और जब अंतर समान चल रहा हो तो क्या करते हैं, पहली प्लस अंतिम, तो 2 को जोड़ो प्लस 40 को जोड़ो और 2 से क्या दो भाग दो, कितना हो जाएगा 42/2, और 42 का आधा होता है 21, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही साथियों? बताओ बढ़ सकते हैं आगे? चलो आगे ध्यान देना, ठीक है। 50 प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, ध्यान देना हमें प्रथम 50 विषम संख्या चाहिए, फिर वही चीज आ गई। अब बताओ विषम हमें 50 संख्याएं चाहिए तो हमें गिनती कहाँ तक करनी पड़ेगी साथियों, हमें 50 सम संख्याएं चाहिए, 50 विषम संख्याएं चाहिए तो गिनती हमें 100 तक करनी पड़ेगी, है ना? इस चीज को समझो, तो हमें कौन सी विषम संख्या चाहिए, तो विषम संख्या लिख देता हूँ मैं 1, 3, 5 और ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, 50 सम विषम चाहिए तो 50 विषम संख्या चाहिए तो हमें गिनती कहाँ तक करनी पड़ेगी, 100 तक। लेकिन 100 तो एक सम संख्या है तो 100 नहीं रखेंगे हम, 100 से पहले की संख्या रखेंगे जिसका नाम है 99। तो हम किसको जोड़ेंगे, 99 को, तो क्या करेंगे, पहली प्लस अंतिम, तो पहली कितनी है 1 है प्लस अंतिम कितनी है 99 और बटे में 2 से भाग भाग दे सकते हैं दोस्त, तो कितना हो जाएगा 100, और 100/2 को काटेंगे तो आ जाएगा आंसर 50। बात समझ में आई? आगे बढ़ सकते हैं। देखो अब इस चीज को समझो, 12, 27, 25, 30, 40, 50 का औसत होगा। अब यहाँ पर अंतर समान नहीं है, इन सभी में बिल्कुल समान अंतर चल रहा था इसलिए हमने पहली प्लस अंतिम, क्योंकि अंतर समान चल रहा था, यहाँ पर कोई समान अंतर नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, कौन से प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या। तो अपन इनको जोड़ते जाना है, देखो 0 0 जोड़ना बताया, 0 0 5 5 7 और 5 12 12 और 2 कितने होंगे, 14 14 कितनी आएगी, 10 4 हासिल का कितना है 1, 5 और 7 कितने होते हैं 5 4 9 9 और 3 होते हैं 12, 12 और 2 14 14 और 2 16 16 और 1 17 17 और
एक कितने हो गए 18, ठीक है, ये हो जाएगा 184। ये तो सिर्फ क्या आया, मैंने जोड़ा है इनका योग। ये संख्याएं हैं कितनी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 184 में हम किसका भाग रहे हैं, 6 का। क्या होता है, योग बटे संख्या, समझ रहे ना बात को। तो 6 का भाग दे सकते हैं, 6 × 6 = 18, बचा 4 होगा 40, 6 × 6 = 36, 3 दशमलव क्या जाएगा, 30 दशमलव जाएगा ना। 36 देखो, 36 = 18, 3 बार गए अब 4 में भाग तो जाएगा नहीं, 4 भाग नहीं लगा तो क्या लग जाएगा, नहीं जाने क्या लगा देंगे, 0, ठीक है, बिल्कुल 36 = 18 आ जाएगा इसका आंसर, आ जाएगा 30.6 × 36, 6। ये हो जाएगा आपका 30.6, परफेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आई, अपन आगे बढ़ सकते हैं साथियों, दिखाई दे रहा ना, अच्छा नीचे नहीं दिखाई दे रहा, चलो मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो इसको क्या करना है, यहाँ जब असमान अंतर चले ना, तो आप इन सब को जोड़कर आप 6 संख्या है तो 6 से भाग दे दो, बस आगे बढ़ सकते हैं अपन। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो समझ में आ रहा ना, आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में, जितने भी साथी हैं सभी में शेयर जरूर कर देना, ठीक है दोस्तों। अगर चैनल अगर पहली बार आए हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्त, कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए 60 तक की सम संख्याओं को औसत, 60 तक की सम संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि 40 तक की, 40 तक की विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, औसत कितना होगा, ठीक है। और अगला ऐसा क्वेश्चन ऐसा जाएगा, संख्या 8 के, 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 9 गुणजों का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत औसत कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको 60 तक की सम संख्याओं का औसत, तो अब हमें सिर्फ 60 तक, ये जब ये तक लग गया ना दोस्त, ये अपन को बाउंड्री लगा दी गई है कि हमें सिर्फ गिनती 60 तक करना है। और कौन सी संख्या चाहिए, सम, तो बताओ 2 से लेके हम गिनती कहाँ तक करें, 2, 4, 6 और कहाँ तक, केवल 60 तक, ये बाउंड्री लगा दी गई है। तो बताओ अंतर समान है, और अंतर समान है मतलब पहली संख्या अंतिम संख्या, तो बताओ पहली संख्या क्या हो जाएगी 2, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 60, तो 2 + 60 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा कितना 62, और 62/2 मतलब होता है दोस्त 31, ये हो जाएगा आपका औसत, ठीक है। जैसे ऐसे पूछ रहे 40 तक विषम संख्याओं का औसत, अब 40 तक एक देखो विषम संख्या 1, 3, 5 ऐसे ही, हमें गिनती कहाँ तक, सिर्फ 40 तक ही करना है। ये तक लगा है ना, तक का मतलब होता है केवल बाउंड्री बन चुकी है कि 40 तक ही गिनना है। तो बताओ 40 तक विषम संख्याएं मिलेंगी कितनी हमको, आप मुझे बता सकते हो, हमें 10 मिलेंगी संख्याएं, ठीक है। तो बताओ कितनी मिलेंगी, तो हम 40 तो रख नहीं सकते,
अब देखो पहली संख्या होती है एक, पहली संख्या एक ही है ना, प्लस 40 तो हम रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि आपसे विषम संख्या पूछ रहा है, तो 40 के पहले की संख्या कौन सी होती है? 39, और 39/2, इनको जोड़ेंगे तो जाएगा 40/2, और 40/2 का मतलब होता है दोस्त 20 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। अब यहाँ पर ध्यान दो, संख्या के, बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? संख्या 8 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। मैंने गुणज का मतलब बताया दोस्त क्या होता है? पहाड़ा होता है। संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज पढ़ सकते हो? देखो मैं बता देता हूँ, 8 एकम 8, 9 गुणज मतलब 9 का पहाड़, 8 का पहाड़ा कितनी बार? 9 बार। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चुको 32, 8 5 40, 8 6 48 है ना, 8 7 56, 8 3 64, 8 9 72। आपसे ये 9 का ही कहा था ना, प्रथम 8 के 9 गुणज, 9 तक कहाँ जा रहे हैं? 8 2 16, 8 3 8 चुको 8, 5 4 8 5 40, 8 7 56, 8 3 64, 8 9, नाम मतलब 9 बार। तो अब इसका औसत निकाल सकते हो, बताओ अंतर सभी में समान चल रहा है 8 8 का, तो औसत क्या होता? पहली प्लस अंतिम भाग 2। तो बताओ 8 प्लस अपन 72 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, 72 और 8 कितना होता है? 80, और 80/2 का मतलब होता है दोस्त कितना, कितना होगा? 80/2, 80/2 मतलब होता है 40। ठीक है, ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको और बता देता हूँ। अब आपसे ये पूछा, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब हमें पहली 10 अभाज्य संख्या देखना है, तो उसका मतलब क्या है भाई? पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 4, फिर 6, ये तो भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखना है, 2, 2 के बाद 3, फिर 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, फिर 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद, 23 के बाद कौन सी है भाई? 23 के बाद 29, 29 ही है ना, 23 के बाद 29। बताओ कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें 10 ही चाहिए, हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्या चाहिए। तो 10 अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 3 5 7 11 13 15, 13 17 19 23 29। ये संख्याएं ऐसी हैं जो किसी से भी नहीं कटेंगी, मतलब किसी से विभाजित नहीं होंगी। तो बताओ आपने क्या करना, क्या दोस्त? इन सभी को जोड़कर जितनी भी संख्या है 10 से भाग देना। 10 संख्या है तो 10 से भाग, तो जोड़ सकते हैं इन सबको, इन सभी को जोड़ दो भाई। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, या फिर ऐसे लगा लो, इन सभी को जोड़ के देख लेना दोस्त। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 9 और 3, 9 और 3 होते हैं 12, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 7, 28 और 3, 28 और 3 31, और 1 32, 32, 32 की 2, ठीक है, हासिल कितनी आएगी? 3, 32। इनको जोड़ के देखो, इनको टोटल जोड़ के देखना, 129 आएगा। इन सभी को संख्याओं को जोड़ के देखना, 129 आएगा। ठीक है, समझ रहे ना बात को? 129 आएगा। अब 129 को हम जब हम 10 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्त? 12.9। अब ये 12.9 है कैसे? जब नीचे से एक 0 हटता है तो ऊपर एक अंक बाद पॉइंट लगा देता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लगा दिया? पॉइंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12.9। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई साथियों? बढ़ सकते हैं अपन आगे की ओर। देखो क्या क्या सीख लिया? प्रथम का गुणज, पूर्ण का गुणज, सम का गुणज, विषम का गुणज, ठीक है, समांतर श्रेणी और पहाड़, ठीक है, और अभाज्य। यहाँ तक बात आ रही समझ में? अपन आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलो अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर अपन आगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो अगला क्वेश्चन ऐसा आ जाता है आपके सामने, 5
पांच क्रमागत लगा प्रभु, क्रमागत का मतलब होता है लगातार। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है। 42 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें, सबसे छोटी संख्या होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं मैं। चार क्रमागत संख्याओं का औसत, चार क्रमागत संख्याओं का औसत, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 22.2 है, 22.5 है, ठीक है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, तो छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी संख्या होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देता हूं मैं। पांच क्रमागत सम संख्या को औसत, पांच क्रमागत सम संख्या को औसत 108 है। तो सबसे सबसे छोटी संख्या हुई, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं यहां पर। चार क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अपन को इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बता। क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। चलो ध्यान देना, पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 42 है, ध्यान देना। तो सबसे छोटी संख्या, अब बताओ आप। देखो आप, आपके लिए मैं बिल्कुल बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, आप ट्रिक बना के लिख लेना इस चीज को। पांच क्रमागत संख्या है तो आप ये पांच क्या लगा दो भाई, गोले बना दो, ठीक है। और मैंने बता रखा है कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, औसत का मतलब होता है माध्य, औसत का मतलब होता है मध्य की संख्या, ठीक है। तो बताओ इनमें जो औसत है ना वो कितना, 42। तो इनमें बीचों बीच कौन होगा, 42 होगा, 42 इसका औसत है। मैंने बताया ना, समझ रहे हो ना, औसत मतलब होता है बीच की संख्या, समझ रहे हो ना आज को। तो बताओ इसके बाद की संख्या क्या होगी, 43। इसके बाद की 44, और इससे पहले की कौन सी हो जाएगी, 41। इससे पहले की हो जाएगी 40। तो आप मुझे बता सकते हो भाई छोटी संख्या कौन सी होगी, बता सकते हो छोटी संख्या, इनमें छोटी संख्या हो जाएगी 40। ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर, बताओ समझ में आई बात। ये छोटी संख्या होगी, क्या करना, पांच संख्या है औसत बीचों बीच की संख्या होती है, ठीक है। जैसे अब ये दिया है, आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चार क्रमागत संख्याओं का औसत 22 है, तो मैंने चार क्रमागत संख्या लिख दी, इनका औसत 22.5 है, ध्यान देना इस चीज को, समझना। 1 2 3 4, इनका जो औसत है ना 22.5। देखो आप कहोगे कि सर ये पांच लोग थे तो इनमें आपको बीच में ये बैठा दिया, अब ये चार लोगों में बीचों बीच का क्या होगा, तो चार लोगों में बीचों बीच का ये होगा दोस्त, ठीक है। औसत कितना है, 22.5। अब आप मुझे एक बात बता, अगर बीच में 22.5 है तो 22.5 के बाद क्या आएगा, 23, और 23 के बाद 24, और 22.5 से पहले क्या आएगा, 22, और इधर 21, ठीक है। बात आ रही समझ में, क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा, तो बता सकते हैं छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यह हो जाएगी 21। आपसे पूछता बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगी बड़ी संख्या, समझ में आई। अगली बात ध्यान देना,
ये संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 108 है। अब ये जो 5 क्रमागत सम संख्या है, तो मैं 5 क्रमागत सम संख्या लिख देता हूं। देखो सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको गोला बनाओ और 5 संख्या बना दो। इनमें कोई 5 संख्याएं होंगी जिनका औसत कितना है, 108 है। तो 108 मैंने ऑलरेडी बता रखा दोस्त, क्या होता है, क्या होता है 108, नहीं औसत क्या होता है, औसत मतलब होता है बीचों बीच की संख्या। तो 108 को मैं कहाँ रखूं, इधर। हमें सम संख्या चाहिए, तो इसके बाद की सम संख्या कौन सी होगी, 110। इसके बाद की हो जाएगी 112। इसके पहले की कौन सी होगी, 108 से पहले की 106, और इसके पहले की 104। आपसे पूछा क्या है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी ये हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आई, ट्रिक समझ में आ रही है क्या? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में नॉट कंजूसी, ठीक है, डन है ना। 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 47 है, वही प्रक्रिया 1 2 3 4, इनका जो औसत है ना कितना है भाई, 47 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, देखो 4 है तो इनका बीचों बीच का क्या होगा, इनका औसत होगा, ये हो जाएगा उनका औसत बीचों बीच का, और औसत दिया है कितना है, 47। आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये औसत 47 है और पूछा कि आपसे 4 सम संख्या है, तो बताओ 47 के बाद सम संख्या कौन सी होगी, 47 के बाद हो जाएगी 48, 48 के बाद हो जाएगी 50, और 47 से पहले सम संख्या कौन सी होगी, 46, और उससे पहले 46 के बाद हो जाएगी 44, 46 से पहले। आपसे पूछा क्या है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या बता सकते हो दोस्त, ये हो जाएगी आपकी छोटी संख्या। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई, अपन बढ़ सकते हैं आगे। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो मैं दो टाइप के अच्छे क्वेश्चन और आगे करवाता हूँ। अब आगे से तो इसको मिटा दूँ, आगे से ये चीज़ें औसत में कभी कोई क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए साथियों। मुझे उम्मीद है मैंने जो पढ़ाया आपको अभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी साथियों के आंसर आ रहे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है सभी दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, अगला अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से जाती है, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, प्रति घंटा की चाल से वापस आती है या लौटती है, वापस आती है, वापस लौटती है, बातें की है। तो उस लेड़ आपसे पूछा, तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल होगी, औसत चाल, ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछा, औसत चाल दोस्त, औसत चाल पूछे, जब भी आपसे औसत चाल पूछे और एक ही रूट की बात हो, ध्यान देना कैसे, कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये कह रहा है एक रेलगाड़ी जयपुर से जा रही है, जयपुर से कहाँ जा रही है भाई, दिल्ली, ध्यान देना, ये जयपुर से ये दिल्ली है, ठीक है, ये एक रूट है, ये एक रेलगाड़ी है, ध्यान समझना, ये एक रेलगाड़ी है जयपुर से कहाँ जा रही, दिल्ली की ओर, और कितनी स्पीड से जा रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, ठीक है। और वो कह रहा है दिल्ली से कहाँ, जयपुर, दिल्ली से जयपुर आती है वो कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति आवर,
ये वाली बात समझ में आ रही कहीं? एक रेलगाड़ी दिल्ली जा रही है 60 की से वापस आ रही 40 के, जब एक ही रूट की बात हो, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, या जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मुंबई, जब एक ही रूट की बात हो ना, तो औसत चाल बराबर होता है दोस्त, क्या होता है औसत चाल बराबर होता है 2 into A, ऐसे लिख लेना 2A into B बटे में A+B। ये प्रक्रिया अप्लाई करनी है। इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। एक बार गए, एक बार आए, ठीक है, तो उन दोनों का गुणा कर देना। ऐसी प्रक्रिया हमने दो बार करी तो 2 से गुणा, और एक बार जोड़ दो। जैसे मैं इस चाल को नाम में A दे दूं और इसको नाम में B दे दूं, ध्यान देना, इसको मैं जाने को A बोल दूं, आने को B बोल दूं, तो हम क्या करेंगे देखना, ध्यान देना। तो हमने क्या लिखा, A into B, 2A into B, तो क्या रखेंगे, एक बार गया, कितनी चाल से गया, 60 की से, ठीक है, 60 की से गया और एक बार वापस आया, है ना, समझ रहे हो ना आपको, ये दो की जगह पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 into, एक बार गया कितनी की स्पीड से गया, 60 की से, वापस कितने की से आया, 40 की से, बटे में एक बार आने और जाने को जोड़ दो, गया कितने से, 60 से, आया कितने से, 40 से। आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं साथियों, कर सकते हो ना दोस्त, चलो करो भाई। अब मैं 0 से 0 काट देता हूँ, इनको जोड़ देते हैं, ठीक है, हो जाएगा 200, मैं जोड़ देता हूँ डायरेक्ट दोनों, 60 और 40 कितने होते हैं, 60 और 40 कितने होते हैं दोस्त, 100 ही होते हैं ना, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12 और 12 चौको कितना हो जाएगा, 48। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की क्या हो जाएगी, इसकी चार हो जाएगी, यही हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। बताओ समझ में आया, समझ में आया साथियों, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं अपन। आपको क्या अप्लाई करना है, जब एक ही रूट पर ट्रेन चल रही हो ना, दिल्ली से भोपाल, भोपाल से दिल्ली, कलकत्ता से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, तो आपको क्या करना है, 2 से गुणा करने के बाद एक बार जोड़ दो, एक बार गुणा कर दो, एक बार जोड़ दो, और ऐसी प्रक्रिया हम कितनी बार करते हैं, 2 बार, तो ऊपर 2 रखना है बस, ठीक है, चलो आगे बढ़ सकते हैं। एक एक अगला टाइप क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आप मुझे करके बताना साथियों क्या होगा, आप मुझे करके बताओ। एक रेलगाड़ी दिल्ली से भोपाल 70 किलोमीटर की से जाती है और 30 की से वापस आती है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपको क्या करना है, 2 into 70 into 30 बटे में 70+30, बस यही प्रक्रिया अप्लाई करनी है। तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 70 और 30 कितने होते हैं भाई, 100 ही होते हैं, तो जोड़ दो आप, 100 हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल, 7 दूनी 14 और 14 तिया 14 14 तिया 42 42 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगा इसका परफेक्ट आंसर होगा। बताओ कर सकते हो। चलो अब मैं अगला क्वेश्चन और लिखता हूँ, अगला क्वेश्चन पे ध्यान देना। अगला क्वेश्चन ये है, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है, ठीक है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो, कक्षा का औसत कितना होगा ये बताना है, कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये, किसी कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है
यदि हर विद्यार्थी में 5 किलोग्राम की वृद्धि और हो जाए तो आपको ये बताना है कक्षा का औसत ग्राम कितना होगा, औसत वजन। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, 20 विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है भाई? 20 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है? 40 किलोग्राम है ना। 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। वो कह रहे हैं प्रत्येक विद्यार्थी का 5 किलोग्राम वृद्धि और हो गई, प्रत्येक विद्यार्थी में 5 किलोग्राम की वृद्धि और हो गई। तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो दोस्त, जब भी औसत वजन में तो वृद्धि होने के बाद कक्षा का औसत कितना होगा। ठीक है, तो बताओ प्रत्येक विद्यार्थी में दोस्तों 5 किलोग्राम बढ़ गया, तो मैं प्रत्येक में 5 जोड़ दूं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो हमें औसत कितना हो जाएगा, तो हमसे औसत पूछा है, 5 जोड़ेंगे तो औसत हो जाएगा दोस्त, वो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा औसत? बराबर हो जाएगा 40। हमारा 40 तो औसत था, अगर मैं उसमें 5 और जोड़ दूं, प्रत्येक विद्यार्थी की बात हो ना, अगर औसत में जोड़ने की बात हो दोस्त, तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। जैसे औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो मैं बोलूँ औसत भार में एक एक विद्यार्थी में 5 किलो जोड़ दें, तो सभी में जुड़ेगा, क्योंकि औसत में जुड़ेगा तो वो सभी में जुड़ेगा, औसत सभी का योग होता है दोस्त। तो आप 40 + 5 कर देंगे तो आंसर हो जाएगा अपना 45 किलोग्राम। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ये चीज लिख लेना कि औसत भार में हम डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, ये बॉक्स बना के अच्छे से लिख लेना कि औसत भार में आपसे जोड़ने की बात करें तो आप डायरेक्ट 40 में जोड़ दो। जैसे कल को बोल दूं कि एक एक कक्षा का औसत वजन 50 किलो था, यदि प्रत्येक विद्यार्थी में 10-10 किलो वजन कम कर लिया जाए, तो आप डायरेक्ट 50 से कम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ बढ़ सकते हैं आगे, बात आ रही समझ में? ठीक है, चलो आगे कर सकते हैं दोस्त। चलो यहाँ पर ध्यान देना, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है साथियों, 4 संख्याओं का औसत वजन, 4 संख्याओं का औसत 20 है, ऐसे लिख रहे हैं, 4 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, इनमें से 3 संख्या, इनमें से 3 संख्याओं का, ये 3 संख्या लिखी है ना, 3 संख्याओं का, इनमें से 3 संख्याओं का औसत, 3 संख्याओं का औसत 18 है, 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या कितनी होगी? तो चौथी संख्या कितनी होगी? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। ये कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो चौथी संख्या बताना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, 4 संख्याओं का औसत, ध्यान देना अच्छे से समझना, 4 संख्याओं का औसत कितना है दोस्त? 20 है। तो आप मुझे बताओ, योग निकालेंगे पहले नंबर, तो 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो ये क्या है, औसत है, तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 × 20 कर देंगे, तो अपना क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा, 20 × 80, योग कितना आ गया अपना, योग 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो उनका योग हो जाएगा 4 × 20 हो जाएगा 80। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि इनमें से 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो ध्यान देना 3 संख्याओं का औसत भी निकाल लेते हैं उनमें से। ठीक है, उनमें से 3 का औसत कितना है भाई, 18 है, तो इनका योग निकालेंगे, तो 3 × 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 × 3 = 54। ध्यान देना साथियों, वो कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 20 है, तो 4 संख्याओं का योग होगा 80, 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो उनका योग होगा 54। देखो जब 4 संख्याएं थी उनका योग कितना है, 80, उनमें से 3 का मैं कह रहा हूं कि 54 है, 4 के पास 80 रुपए थे,
और मैं बोल रहा हूँ तीन के पास, जिनमें से तीन के पास 54 रुपए हैं, तो बताओ 80 में से अपन ये 54 घटा देंगे, 80 में से 54 घटा देंगे, हमें चौथा से निकल जाएगा। तो आपसे क्या तो चौथी संख्या ना, तो चौथी संख्या निकल जाएगी 80 में से अगर हम 54 घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 26। 26 होगी दोस्त चौथी संख्या, बात समझ में आ रही। अगर औसत दिया तो योग निकाल लो, योग कैसे निकालते हैं, चार संख्याओं का औसत 20 है, तो 4 × 20 किया तो औसत योग निकल गया, उनमें से तीन संख्याओं का औसत 18 है, तो 3 × 18 किया तो क्या निकल गया, उसका योग निकल गया। तो मैं कह रहा हूँ चार के पास 80 रुपये थे और तीन, जिनमें से तीन के पास 54 है, तो चार में से उन तीनों के पैसे निकाल लेंगे तो चौथे का पैसा निकल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। चलो तो दोस्त ये था वीडियो आज का, कैसा लगा आप वीडियो देखो और उस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, आप थोड़ा सपोर्ट करो, हम आपके लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं तो आपको फर्ज बनता है आप थोड़ा सपोर्ट करें दोस्त, ठीक है। देखो मेरा टारगेट है उन विद्यार्थियों, कमजोर से कमजोर विद्यार्थियों को तैयार करना जिन्हें मैथ्स में कुछ भी नहीं आना, उनका मैथ्स का डर हमेशा के लिए खत्म करना। अगर आपका सपोर्ट रहा तो सभी विद्यार्थियों को मैथ्स का डर खत्म होगा, और मैं बिल्कुल आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका बिल्कुल मैथ्स का डर खत्म करवा दूंगा, ठीक है। चलो कल फिर मिलेंगे, कल लाइव क्लास रहेगी शाम को 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।